सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ठीक है इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बोलते हैं इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब ये ये क्या करता है? इसका है, है. है? क्या करता है, इसका जो भी थ्रू अ पाइप ही करेगा ठीक है वेज अबाउट 1.2 टू 1.5 पॉइंट ये 12 टू 15 नहीं है ठीक है फॉन्ट की वजह से इसका थोड़ा पॉइंट मिस्टेक uh, हो गया है जी इन एन एडल्ट ह्यूमन एक एडल्ट ह्यूमन बींग में इतने इसका वेट इतना होता है फिर ये बायलो ग्लैंड है जो एक लाइक कवरिंग -like से ढका हुआ है ठीक है कवर है लाइक स्ट्रक्चर -like से कवर है उसको क्या बोलते हैं ग्लिस अब इसका जो लोब है दे आर डिड इन टू सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ठीक है वो हमारा कंसर्न नहीं है उसका एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर हमारा कंसर्न नहीं है अभी ठीक है उसको क्या बोलते हैं इचलोक को क्या बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स क्या बोलते हैं उसको हिपैटिक लोब्यूल्स फिर इसका फंक्शन क्या क्या बताया गया है ये देखो सबसे पहला ये तो सबको पता है कॉमन फंक्शन की बायल जो सिक्रीट करता है इल, आ, लीवर जो है वो बाइल जो सिक्रिएट करता है जो क्या करता है फैट को फैट का इमल्सिफिकेशन करता है ठीक है डाइजेशन में हेल्प करता है इन शॉर्ट फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है फिर लीवर क्या करता है स्टोर एक्सेस ऑफ ऑफ इन द फॉर्म ग्लाइकोजन और क्या करता है तो डी ऑफ एक्सेस अमाइनो एसिड डी मतलब अब देखो डी मतलब क्या होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना रिमूवल ऑफ दी अमाइनो ग्रुप

हार्ट वाले चैप्टर में तभी हम इसको स्टडी करने वाले हैं प्रोड्यूस ब्लड प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोमिन एंड फाइब्रेनोजिन और इसका लास्ट फंक्शन क्या बताया कुफर सेल्स हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो भी इसमें टॉक्सिसिटी आता है ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस आता है तो कुफर सेल्स के हेल्प से ये क्या करता है डिटॉक्सिफाई करता है उन सब मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरपीसी का इसका यह भी काम है कि यह क्या करता है डिस्ट्रक्शन करता है डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड आरपीसीज के सेल्स को जिसका कोई काम नहीं है मतलब जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता है पुराना हो गया है ठीक है उसको क्या करता है ये डिस्ट्रक्ट करता है या डिस्ट्रॉय करता है और फिर वो कहा चला जाता है स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन है उसमें वो चला जाता है जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ दी आरबीसी ओके ये हो गया लीवर का डिस्क्रिप्शन अब नेक्स्ट इज पेंक्रियास देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारा जो पेनक्रियाज है ना ये इसका फिजिकल बताया गया है कि ये लीफ शेप का है और इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं हेट्रोक्राइन मतलब मिक्स ग्लैंड है ये एज एक्सोक्राइन भी काम करता है और एंडोक्राइन भी काम करता है ठीक है हमने पीछे पढ़ा ना देखो इधर लिखा है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड बट ये कैसा है मिक्सड ग्लैंड है यानी हेट्रोक्राइन है दोनों काम करता है इसमें मतलब इसमें जो सिक्रीशन है ना वो थ्रू अ डक्ट भी जाता है और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी होता है एक्सोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन मतलब जो डक्ट में जो भी सिक्रीशन है पर्टिकुलर ऑर्गन अपना क्या करे जो भी सिक्रीशन है वो थ्रू अ डक्ट पास करे थ्रू एक पाइप के मदद से क्या करे उसको जहां पहुंचाना है उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे लेकिन जो एंडोक्राइन है वो क्या करता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है रिलीज कर देता है अपना हॉर्मोन है या जो भी कोई सिक्रीशन है उसका ठीक है तो ये है, ये है दोनों तरीके से काम करता है अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है एक्सोक्राइन पैंक्रिया एसिनी जिसको बोलते हैं और डक्ट सिस्टम ठीक है सॉरी पैंक्रियाटिक एसिनी जिसको डक्ट सिस्टम बोलते हैं मतलब ये क्या करता है बताया ना मैंने थ्रू अ डक्ट भी काम करता है और क्या बोला एंडोक्राइन पोर्शन आइसलेट ऑफ लैंगर ये भी ये इसका दो पोर्शन है मतलब आइसोलेट ऑफ जो है वो एंडोक्राइन पोर्शन है और जो एसिनार सेल्स है सॉरी एसिनी है जो डक्ट uh, सिस्टम है इसका पेनक्रियाटिक एसिनी है वो कैसा है कैसा है ये एक्सोक्राइन है मतलब ये डक्ट वाला है और ये बिना डक्ट वाला है ठीक है एसिनार सेल क्या करता है जो भी पेनक्रियाटिक जूस है अल्कलाइन पेनक्राटिक जूस है जो डाइजेस्टिव में क्या करता है हेल्प करता है ठीक है क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं आगे अभी हम पढ़ेंगे, में जब भी पूरा वो करेंगे ना तो उसमें स्मॉल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब दे कनेक्टेड एंड कैरिड बाय टू डेनम बाय पेनक्रेटिक देखो क्या बोला है यहाँ पे थ्रू अ रहा है मतलब ये एक्सोक्राइन है थ्रू अ आ रहा है तो ये एक्सोक्राइन है अब आइसोलेट कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स डेल्टा सेल सिक्रेट ग्लूकागोन बीटा सेल हार्मोन ठीक है अब देखो इन लोगों का काम क्या होता है आइसोलेट ऑफ लैंगर है तीन टाइप के सेल्स हैं इसमें अल्फा बीटा और डेल्टा ठीक है अल्फा और बीटा है ना जो वो अल्फा क्या करता है ग्लूकागोन सेक्रेट करता है बीटा इंसुलिन इंसुलट करता है ग्लूकागोन और इंसुलिन का जो फंक्शन है ना वो सेम है एक तरीके से देखा जाए तो वो सेम है क्योंकि दोनों काम एक ही कर रहे हैं तरीका अलग अलग है बस। देखो ग्लुकागोन क्या कर रहा है ग्लूकागोन जो है ना वो क्या कर रहा है वो कब रिलीज होता है किसको क्या करने के लिए रिलीज होता है तो दे रिलीज टू स्टॉप हाइपोग्लाइसीमिया वाइल रिलीज टू स्टॉप हाइपरग्लाइसीमिया ठीक है दोनों मेंटेन कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल को दोनों क्या कर रहे हैं टुगेदर कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल ओके okay? सो so, ग्लुकागोन क्या कर रहा है हाइपर हाइपोग्लाइसीमिया को रोकता है हाइपोग्लाइसीमिया मतलब हाइपो मतलब लो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड मतलब शुगर लेवल ताकि जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कहीं लो ना हो जाए ग्लूकागोन उसको मेंटेन करता है और जो इंसुलिन है वो हाइपरग्लाइसीमिया को मेंटेन करता है मतलब हाइपर मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल कहीं हाई नहीं हो जाए ब्लड शुगर जो लेवल है उसका वो हाई नहीं हो जाए वो उसको मेंटेन करता है मतलब काम दोनों मेंटेनेंस का ही कर रहे हैं ब्लड के शुगर लेवल का लेकिन क्या कर रहे हैं अलग अलग तरीके से कर रहे हैं समझ में आया अब जो डेल्टा सेल्स है वो सोमैटोस्टिन स्टिन से क्रिएट करता है जो क्या करता है दे प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स एंड ऑल्सो स्टॉप द अननेचुरल रेपिड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स जो uh, Unnatural, मतलब जो काम का नहीं है हमारे बॉडी के उनके रैपिड रिप्रोडक्शन को क्या करता है रोकता है जैसे कैंसर सेल्स ठीक है वो भी अननेचुरल है उसका देखा जाए तो कैंसर सेल सबके अंदर होता है लेकिन अगर उसका रैपिड प्रोडक्शन होने लगे तो हमारे बॉडी को वो हार्म कर सकता है तो सोमेटोस्टैटिन क्या करता है ऐसे सिक्रीशन को या ऐसे रिप्रोडक्शन को रोकता है और जो Production of other hormones है जिनका काम नहीं है ठीक है जिन जिसका जब काम है वो तभी होगा जिसका जब काम है वो तभी वो हार्मोन रिलीज होगा और जिसका काम नहीं है अगर वो भी रिलीज होता है तो सोमेटोस्टैटिन क्या करता है प्रिवेंशन करता है प्रिवेंट करता है मतलब स्टॉप करता है उस चीज को ओके सो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव ओवर हुआ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डाइजेशन का ठीक है ओके सो Today we, conclude, we will conclude here. Thank you so much.